नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी का शेफ। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बरेली के करगेना शहर से महिला के नाम को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आ रही है। महिला जो अपने परिवार को आगे बढ़ाती है, बच्चों में खुशियां लाती है, वही एक महिला पकड़ी गई है जिसके पास से लगभग अंतर्राष्ट्रीय कीमत 35 लाख का स्मैक बरामद किया गया है। पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। थाना स्वास्थ्य नगर जनपद बरेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस अधीक्षक नगर में मार्गदर्शन में ASP साद मियां खां, IPS प्रभारी निरीक्षण महोदय आर्यवेक्षण में थाना स्वास्थ्य नगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 29 तारीख नवा महीना सन 2020 को शकुंतला बिहार कॉलोनी में करगेना में एक नफर अभियुक्ता को अवैध 315 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीबन 35 लाख रुपए है। महिला के पास से 5,250 रुपए नकदी गोल्ड बरामद किया गया है। अदद मोबाइल कीपैड नोकिया 5G गोल्ड, ये सारी चीजें उस महिला के पास से बरामद की गई हैं। इसकी जानकारी देते हुए SP सिटी रविंद्र कुमार ने बताया। मुखबिर के द्वारा हमारे सूचना दी गई कि एक महिला है जो इसमें का कारोबार करती है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस जो है उस क्षेत्र में गई, जो करगेना क्षेत्र में एक शकुंतला बिहार कॉलोनी है, उस क्षेत्र का मामला है। उसमें गई, आसपास में हमने पता किया, लोगों से हमें ये भी जानकारी मिली कि ये बात जो है इसमें सच्चाई है। पुलिस जो है हर जगह सघन चेकिंग अभियान किया। चेकिंग के दौरान एक महिला जिसका नाम कमलेश कुमारी है, उनके पति का नाम मनीष सक्सेना है, इनके यहाँ से इनके पास से 315 ग्राम स्मैक बरामद हुआ, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 35 लाख रुपये बरामद गई है। उपरोक्त मामले में थाना सुभाष नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और उसे जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या आगे भी इस तरह की छानबीन सब किया जाएगा? बिल्कुल, पूरे शहर में, पूरे जनपद में अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति NDPS और इसमें की तादी का कारोबार करता है तो हम सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे हम सीधा जेल भेजेंगे